रायपुर में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया। विधानसभा चुनाव में 23 की पिक्चर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब काका बाबा की नई पिक्चर लॉन्च होने जा रही है। टीएस देव ने कहा कि प्रदेश में मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। वहीं उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। वो शोले पिक्चर का तो रिलीज होके वो हो चुका 5 साल पहले, अभी ये नया पिक्चर है काका बाबा वाला, तो नई पिक्चर अभी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की एक पहचान बनने का क्रम जो इस सरकार में चालू हुआ है उसको हम मेंटेन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अगर कार्यक्रम हो रहा है तो स्वाभाविक है कि छत्तीसगढ़ की पहचान वो प्रदर्शित होनी चाहिए, सामने रहनी चाहिए। पास तो दिग्विजय सिंह के विधानसभा में हुआ था, उनके मुख्यमंत्री काल में। विधानसभा पास नहीं करती तो ये कहाँ से होता। ऐसा श्रेय लेने की बात नहीं है, निर्णय अटल बिहारी जी के समय जरूर हुआ था, लेकिन उसको पास किसने किया था? मध्य प्रदेश की असेंबली में पास किया था तब तो वो बन सका, नहीं तो बनता कैसे।